कैसे कर रहा है इसको? पहले वाले कैसे कितना आया? ये देख लो, इक्वेशन ऐसे ही बनेगा, बस इसको तुम लोग दो बार सॉल्व करना है, एक बार 10% पे और एक बार 20% पे। हाँ, तो यार 40.20% पे कहां पर कर रहे हो अभी? फर्स्ट वाला हुआ, 10% पे आया, 10% में कितना आया लिखता बताओ पहले? 182 सबका आया, सबका आया पक्का? अब 20% में निकालो, क्या चीज? हाँ वो ठीक है, 182 20% पे 40.41, देखो 40.41 आ रहा है। हम कुछ नहीं बोले, हम जो लिखा है वही बोले। आयरा निकालिए इसका, ये को ऐसे थोड़ा लॉजिकली करना, 325 को उधर ले जाना, जितना छोटा कर पाओ ना तो 325 को उधर ले जाना। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है? ए बार वन तो बाहर हो जाएगा, 1000 को वैसे करके बना अलग से, 325 को उधर ले जाना, मैंने हम लोग को खोजना है 325 के लिए, लाइक 325 इज इक्वल टू जो मेरा आ रहा है, और फिर ए बार वन सब में से कॉमन ले लेना पहले। Yeah.
तो तुम ओपन फिगर्स में किया होगा ना? नहीं नहीं, हम टेबल बुक से। अरे बता, तुम ओपन फिगर्स में किया होगा, लोग थाउजेंड्स में कर रहा होगा शायद। 40.41। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? और जो ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर सही है। कितना आ रहा है यार? ट्वेंटी थ्री और के बीच में आ रहे क्या? कुछ गलती हुआ है? योगिता हुआ कौन छोड़ दो पेबैक पीरियड का मतलब होता है पैसा
जो लगाया वो वापस कब आने वाला है, वो वापस कब तक आएगा। अभी कुछ टाइम वैल्यू मनी फाइव वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अगर सिंपल से ले, यहां पर लगा दिया 80,000, ठीक है, हर साल 10,000 का कैश फ्लो आ रहा है, बताओ पेमेंट पीरियड क्या होगा, टाइम एट। अब एक काम करते हैं, लेट्स से सपोज द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, नाउ आई नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। मतलब क्या होता है, पैसा जो लगाया वो वापस आएगा, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब सुनो, इसका मतलब क्या होता है, एनपीवी फॉर द फर्स्ट टाइम बिकम्स पॉजिटिव। एनपीवी फर्स्ट टाइम पॉजिटिव जिस टाइम पे होगा, अगर कंटिन्यूअस कैश फ्लो है तो उसको कर देंगे इक्वल टू जीरो, क्योंकि उसमें एक्जैक्टली वो पॉइंट आ सकते हैं। जैसे सम्स किया है 10.93, 8.17, 6.94, ऐसा आंसर आता है, क्योंकि कंटिन्यूअस में हर सेकंड में कैश फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर डिस्क्रीट होगा तो डिस्क्रीट में कैसे करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हो सकता है इक्वल हो सकता है ग्रेटर भी हो। तो एनपीवी फॉर द फर्स्ट टाइम या तो जीरो या फिर पॉजिटिव। अब इसी सम को करना है, इंटरेस्ट रेट 10% है और डीपीपी निकाल के दिखाना है। 80,000 का आउटफ्लो है, हर साल 10,000 का इनफ्लो है, तो हम लोग को डीपीपी निकाल के दिखाना है। क्या इक्वेशन बनाएंगे, बताना। डीपीपी इज नथिंग बट द टाइम पीरियड वेयर एनपीवी फॉर द फर्स्ट टाइम बिकम्स पॉजिटिव। तो 80,000 इज इक्वल टू व्हाट, 10,000 a एट द रेट 10%। अब 10% का टेबल्स में क्या खोजेंगे, 8 का वैल्यू, 8 का जो अपर राउंडिंग होगा वो करेंगे हम लोग। कितना किसके और किसके बीच में आ रहा है बताना, 8 किसके और किसके बीच में आ रहा है, जो मेरा जो 8 है वो किसके और किसके बीच में आ रहा है, प्लीज बताओ किसके किसके बीच में, 16 और 17। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कितना आ रहा है 16 पे, कितना आ रहा है 7.8 और 17 पे 8.8। अच्छा बात बताना, अगर मान लो मेरे को निकालना है लाइक ये जो 17 पेमेंट देने के बाद में मेरे हाथ में कितना पैसा बच रहा है, क्या ये मैं निकाल सकता हूं, कैसे निकाले, जिसमें क्या बोले 17 पेमेंट पूरा तो नहीं लगेगा बिकॉज एग्जैक्टली मेरा 8 नहीं आ रहा है, कुछ बचेगा, कितना बचेगा और वो कैसे निकालेंगे, जो आएगा मतलब पूरा बताओ ना कैसे करेंगे, मतलब सबसे पहले हम लोग पता क्या करेंगे, हम तुमको बता देंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे 10,000 A17, क्योंकि 16 और 17 के बीच में आ रहा था। जैसे ही तुम लोग करेगा 10,000 A17, तो 10,000 A17 माइनस 80,000, इससे मेरा क्या आएगा पता है, इससे मेरा आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम जीरो। फिर उसको क्या करेंगे, उसको कहां पर एक्यूमुलेट कर देंगे, 17 पे। करो स्टार्ट करो, करके दिखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेसिड्यू बोलते हैं इसको, रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं रेसिड्यू कैसे निकालना है, कितना आ रहा है बताइएगा प्लीज, हाँ एक्यूमुलेट करो फिर इसको 17 साल में, हाँ 1091 पॉइंट हाँ वही, मतलब इसको फिर हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे, इंटरेस्ट रेट कितना बड़ा था 1.1 to the power 17। हाँ स्टार्टिंग से बोली करते आप, हम बोल रहे हैं कि जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर देखो ये देख रहे हैं टाइमलाइन देख रहे हैं, तो हम लोग का यहाँ पर 16 और 17 के बीच में 8 आ रहा है, वो तो पेबैक पीरियड का था, एक मिनट, ये तो पेबैक पीरियड का था, ठीक है ये तो पेबैक पीरियड। अभी हम लोग का क्या हो रहा है, 16 और 17 के बीच में आ रहा है 8, तो तुम्हारा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या होगा, ऑब्वियस बात है, क्या तुम लोग जब यहाँ पर एक्जैक्टली जब इसको सॉल्व करेगा तो कुछ आएगा 16 point something आएगा, तो क्या वहां पर कैश फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, या तो 16 पर हो रहा है या फिर वो 17 पर हो, तो डिस्काउंटेड पीरियड क्या हो जाएगा 17।
ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, 17 में जितना भी सारे इनफ्लोज हुआ है सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं और एनपीवी निकाल रहे टाइम जीरो पर। फिर एनपीवी को क्या करेंगे, 17 साल आगे लेके जाएंगे ताकि मेरा क्या आ जाएगा, वो जो रेसिड्यू मेरे हाथ में जो बैलेंस बच रहा है वो कितना आ रहा है, उसको कैसे निकालेंगे, देखो 1.1 to the power 17, क्योंकि जो ये मेरा क्या है रेसिड्यू, रेसिड्यू किस टाइम पर बताओ, रेसिड्यू एट t = 0, मेरे को चाहिए टाइम 17 पर पेमेंट करने के बाद में कितना रुपया बच रहा है, टाइम 17 पर पेमेंट करने के बाद में मेरा कितना रुपया बच रहा है, ये मुझे ठीक है। अच्छा तो ये भी हो गया, इसके बाद में तुम लोग बताएगा व्हाट इज फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, बताओ कर बताओ, नहीं वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो वाला फॉर्मूला नहीं चाहिए, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, मैंने एक हिंदी में बताया था भाई, ठीक है और कुछ फिर से ग्रेजुअल रिपेमेंट, देखो की पॉइंटर्स मेरे को मिल गया है, पॉइंट नंबर 1 क्या बोला तुम लोगों ने, ग्रेजुअल रिपेमेंट को कंसीडर नहीं करता है, पॉइंट नंबर 2 क्या बोला, प्रिंसिपल पे चार्ज होगा, मतलब जो तुम्हारा इट इज चार्ज ऑन द होल अमाउंट ऑफ द लोन फॉर द होल टर्म ऑफ द लोन, राइट, मान लो 10 लाख का लोन लिया, 2 लाख डाउन पेमेंट कर दिया तो 8 लाख का लोन हो गया ना, 10 लाख का कार लिया 2 लाख डाउन पेमेंट तो लोन कितना का हो गया 8 लाख का, तो 8 लाख पे लगेगा फ्लैट रेट पूरा टाइम पीरियड के लिए लगेगा, तो ग्रेजुअल रिपेमेंट कंसिडर नहीं हो रहा है। और बोलो फ्लैट रेट एक्चुअली होता क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज पर हर हर एक रुपया पे हर एक साल, इट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हर एक रुपया पे हर एक साल, तो मतलब क्या बोलेंगे, टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स इनटू ओरिजिनल लोन, सुना है, अभी देखो टोटल इंटरेस्ट आ गया मेरा, तो टोटल इंटरेस्ट अब आ गया तो पहले से क्या, मान लो टोटल इंटरेस्ट लग रहा है 4 लाख, 5 साल में 4 लाख, तो हर एक साल ब्याज कितना लगा 80,000, 8 लाख का लोन पे 80,000 लगा तो हर एक रुपया में कितना लगा 10 पैसा, तो वो जो 10 पैसा है ना मतलब 0.1, तो फ्लैट रेट क्या हो जाएगा 0.1। व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लैट रेट, व्हाट इज इट यूज, मतलब किस चीज में काम आता है, अगर फ्लैट रेट दे देगा क्वेश्चन में तो सब लोग क्या निकाल सकते हैं, फ्लैट रेट दे देगा तो क्या निकाल सकते हैं, टोटल इंटरेस्ट, ऐसे बोलेगा 5 साल का लोन है 2 साल का लोन है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, तो पहले क्या करेगा 5,000 करो कैसे कर, सब कैलो नहीं करो टोटल इंटरेस्ट बताना, इस पर 5,000 हम बोल रहे 5,000 का लोन है 2 साल का लोन है एंड फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, टोटल इंटरेस्ट बताओ कैसे किया, 5,000 का 15% 2 साल के लिए 1500, तो 5,000 का लोन देना है और क्या देना है, अरे बोलिए 1500 का ब्याज देना, तो टोटल कितना रिपेमेंट करना है पहले वो बताओ, ठीक है, हम मान लेते हैं कि क्वार्टरली पेमेंट हो रहा है तो 6,500 कितना बार में देना है, 8 बार में देना है तो डिवाइड बाय 8 कर दो, 6,500 कितना बार में देना है 8 बार में देना है, तो मेरा क्वार्टरली रिपेमेंट आ जाएगा क्या आ रहा है, कितना आ रहा है 812 आ रहा है, तो ये जो 812 आ रहा है, अब मान लो मेरे को निकालना है एपीआर इज नथिंग बट व्हाट, नॉर्मल एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आई राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 0.1, मतलब एक डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, मतलब कितना डेसिमल निकालेंगे, अगर 3 डेसिमल में राउंड ऑफ करना होता है तो कितना चाहिए होता है 4, अभी 1 डेसिमल राउंड ऑफ कितना निकालेगा 2 निकालेगा, तो अभी निकाल के दिखाओ, चलो स्टार्ट, अरियर में मान लेंगे पेमेंट हो रहा है, अच्छी बात बताओ 8 क्या किस बनाएगा, जो भी तुम्हारा क्वार्टरली रिपेमेंट आ रहा है वो किस बनाएगा बताओ, कितना 812.8 4 2, यहां पर 4 मल्टीप्लाई कर देते बिकॉज एपीआर हमेशा कैसा टर्म्स में कोट होता है, एनुअल परसेंटेज रेट बोल रहा है ना, मतलब एपीआर एनुअल में निकालना है तो एनुअल में ही निकालिए, ठीक सिंपल, इक्वल टू 5,000, गुड, 6,500 नहीं होगा, 6,500 क्यों होगा, समझा, कितना का लोन के बदले क्या क्या चुका रहे, ये तो करते थे ना, 5,000 का लोन के बदले में इतना चुकाते थे, यहां से एपीआर निकालो,
फटाफट निकाल के पास करिए राउंड, रफली बता दो किसके और किसके बीच में आ रहा है। फ्लैट रेट इंटू लोन अमाउंट इंटू नंबर ऑफ इयर्स इज व्हाट टोटल इंटरेस्ट। बोलिए बोलिए, हाँ तो फ्लैट रेट अगर 15% है तो रफली डबल होगा, मतलब 28, 29, 30 में आंसर होगा। देख लो इस तरीके से दिमाग नहीं चलेगा तो कैसे लेगा, क्या होता है फ्लैट रेट इज फ्लैट रेट इज हाफ द एपीआर एंड एपीआर इज ट्वाइस द फ्लैट रेट। एंड एपीआर का एडवांटेजेस क्या है ओवर फ्लैट रेट, एपीआर क्या क्या चीज को इज्जत दिया जो फ्लैट रेट इज्जत नहीं दिया बताओ। ग्रेजुअल रिपेमेंट को इज्जत दिया, गुड। रफली कितना आ रहा है, कितना 20, 30. रफली तुम्हारा देख लिया 28 से 30 के बीच में आएगा, समझ आ गया कैसे करें इसको। अच्छा आप जो करेंगे, जैसे मान लो दो टाइप का मेथड था, एक था तुम्हारा रेट्रोस्पेक्टिव और एक था तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव। तो इन दोनों का मेथड का काम क्या है, किस मेथड में किस चीज में दोनों काम आता था पहले बताओ। लोन क्या, लोन क्या, लोन आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए काम आता था। तो कैसे निकालेंगे लोन आउटस्टैंडिंग, अगर मान लो प्रोस्पेक्टिव बोल रहा है तो पास्ट का देखना है ना फ्यूचर का देखना है। फ्यूचर का मान लो हम लोग टाइम सिक्स पे खड़े हैं, अरियर एनुअल इन अरियर पेमेंट हो रहा है, एनुअल इन अरियर पेमेंट हो रहा है मतलब कितना पेमेंट हो चुका है, अगर टाइम सिक्स पे खड़ा है तो कितना पेमेंट हो चुका है। क्या मानते थे कि जहां पर खड़े वहां वाला पेमेंट हो गया है ना होना बाकी है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दे कि पेमेंट हो ना बाकी है तो क्या मानेंगे उसका बात, ना मेरा बात मानेंगे, क्वेश्चन का बात मानेंगे। ठीक है, मेरा बात नहीं मानेंगे, क्वेश्चन का बात मानेंगे। अभी बताओ 15 साल तक पेमेंट होना था, कितना पेमेंट होना बाकी है, कुछ तो हुआ है कुछ अभी बाकी है, कुछ होना बाकी, बताओ कितना होना बाकी है, 9 पेमेंट। तो कैसे निकालेगा, मान लो The loan installment is 1000. The loan installment is 1000. तो कैसे निकालेगा लोन आउटस्टैंडिंग, यहां पर तुमको निकालना है लोन आउटस्टैंडिंग, बताओ जल्दी बताओ। 1000 A9 अगर 1000 A9 करने का आ जाएगा, अगर मान लो 7th रीपेमेंट का ब्याज निकालना है तो कैसे निकालेगा, जो मेरा लोन आउटस्टैंडिंग आया है उसमें क्या लगा देंगे, इंटरेस्ट शीट लगा देंगे, तो मेरा 7th का क्या जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर मेरे को 7th का कैपिटल रिपेड निकालना है तो कैसे निकालेगा, 1000 माइनस जो ब्याज आया। इंस्टॉलमेंट में क्या क्या होता है, कैपिटल भी होता है और सबसे पहले क्या कटता है, सबसे पहले बैंक वाले लोग अपना हिस्सा लेगा, बोले सर पहले इंटरेस्ट का ले दीजिए, उसके बाद जो बैलेंस बच रहा है वो किसमें जाएगा, कैपिटल रिपेड में जाएगा। ठीक है, अगर मान लो तुम लोग का ऐसा हो, एक और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, कुछ अगर ऐसा आ जाए एग्जाम में बोलता है कि मंथली रिपेमेंट हो रहा है, अगर ऐसे बोल दे कि मंथली रिपेमेंट हो रहा है, ठीक है, बोल रहा है कि 3 से 4 के बीच में तुम लोगों को सारा डिटेल्स दे दिया, मंथली रिपेमेंट का डिटेल्स दे दिया, इंटरेस्ट रेट दे दिया, एवरीथिंग। बोलता है 3 से 4 के बीच में मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया है वो बताइए, पूरा एक साल का पीरियड में मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया वो बताइए, एंड मैंने कितना कैपिटल रिपे किया है मेरे को वो बताइए। कौन बताएगा, पूरा एकदम अच्छा से बताना पड़ेगा, बताओ सिमरन बताओ। हाँ, दो चीज मैंने पूछा है, मैं बोल रहा हूं मंथ में, देखो और लिख देते हैं, मंथली रिपेमेंट हो रहा है। ठीक है, तुमको सब कुछ दे दिया, एवरी डिटेल इज गिवन, हाउ टू कैलकुलेट बताओ। 5 साल का लोन है, 5 ईयर लोन,
कैसे करेंगे बताओ? टाइम थ्री पर हम लोग निकालेंगे लोन आउटस्टैंडिंग कैसे? लेट्स से सपोज द मंथली रिपेमेंट इज 100. अब बताओ, जस्ट टेल मी द इक्वेशन हाउ टू कैलकुलेट लोन आउटस्टैंडिंग. वो सही बोल रही हो एकदम, लोन आउटस्टैंडिंग एंड निकालेंगे टाइम थ्री पे. कैसे करेंगे बताओ? 100 A12 तो नहीं होगा. टाइम थ्री पे अगर खड़े हैं बाबू, अगर टाइम थ्री पे खड़े हैं तो कितना साल बाकी है? दो. तो दो साल में कितना पेमेंट होगा? 12 या 24? 36 या 24? बताओ. हाँ तो 1200 A2 A12 2. ये क्या आएगा? लोन ऑफ स्टडी का टाइम थ्री. अच्छा फिर क्या करेंगे आगे बोलो. हाँ आगे बोलो. नहीं वो तो ठीक है, सॉल्व हो गया, मतलब समझ लो मिक्स होके आ रहा था, तुमको सॉल्व कर दे दिया. आगे बोलो. तो एक महीने का भी आ जाएगा राइट? दैट विल बी द हवा. करें और क्लियरली बात करें दोनों से, एकदम पूरा एकदम बकवास की तरह बातें करें. वो क्या आएगा, वो जो अगर आई डोंट टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे वो क्या आएगा? 37th पेमेंट का इंटरेस्ट आ जाएगा. मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 3 से 4 के बीच में पूरा में कितना मतलब इंटरेस्ट आ रहा है. क्या निकालेंगे? लोन आउटस्टैंडिंग एट टाइम 4. अगर मान लो यहां पर मेरा लोन आउटस्टैंडिंग है फॉर एग्जांपल 5000, अगर यहां पर लोन आउटस्टैंडिंग हो जाता है 4200, तो कितना से बर्डन कम हो गया? 800 से बर्डन कम हो गया. तो मेरा लोन आउटस्टैंडिंग, लोन कितना चुकाया पूरा साल में? 800. दिया कितना पूरा साल में? 1200. 100 × 12 ना, तो बाकी जो बेकार का दिया वो क्या है? ब्याज है. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट अगर तुम्हारा मंथली इक्वल होता है. समझ आ रहा है? ठीक है. अच्छा दिस वाज ऑल इन दिस. अच्छा अभी हम लोग इसमें देखेंगे. एक मिनट. ये वाला चैप्टर माही बकवास था, मतलब इसमें तो कुछ था क्या? बताओ सच्ची, बताओ तुम लोग सच्ची बताओ. इसमें सबसे पहले क्या देख रहे थे? देखो तुम लोग देखते जाओ, हमको बता दे देना. ये हम दो चीज बताए थे, दो चीज का क्या बताए थे? इसमें क्या क्या निकालने आता है? एक बैठा बस. या तो बोलेगा प्राइस निकालने या फिर बोलेगा ईल्ड निकालने. या तो बोलेगा प्राइस या फिर बोलेगा ईल्ड. अच्छा एक बात बताना, अगर प्राइस बोल देगा निकालने तो क्या दे देगा? ईल्ड. बोल लो निकाल सकते हैं. What is income tax? Income tax किस पे चार्ज होता है? किस पे? Income पे चार्ज होता है. Bonds में income क्या होता है? Yield income होता है. Interest, जो लोगों को regular जो coupon payment मिलता है उस पे चार्ज होता है. अच्छा एक बार इसको देखना, ये ले देखना एक बार. अच्छा ऐसे बोल देगा tax exempt investor तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे. GRY हो चाहे NRY हो चाहे ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड हो चाहे यील्ड टू रिडेम्पशन हो, सबका मतलब क्या है? आई. सभी क्या मांग रहा है? व्हाट इज पार यील्ड? व्हाट इज पार यील्ड बताओ? पार यील्ड एंड रनिंग यील्ड क्या होता है? ये सब बताना पड़ेगा अभी. व्हाट इज पार यील्ड? हाँ बोलो. 3 साल का हिस्सा अगर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसको एक मान लेंगे. नहीं पार यील्ड क्या होता है ये बताओ. बोलो बोलो बोलो. पारित क्या होता है? शेयर्स आर इशूड. अरे पारित क्या होता है? प्राइस 100 है, रिडेम्पशन भी 100 पे ही होगा. क्या मांग रहा है? कूपन रेट मांग रहा है. कूपन रेट मांग रहा है. प्राइस भी मेरा 100 है, मतलब इशू रेट पार, रिडीम रेट पार. क्या मांग रहा है? कूपन रेट मांग रहा है. एकदम सिंपल है. अच्छा एक और चीज बताना, व्हाट इज रनिंग यील्ड? रनिंग यील्ड का फॉर्मूला था, बताओ क्या होता है? डी बाय पी. व्हाट इज डी? कूपन्स. मेरे को एक साल में कितना का कूपन्स मिल रहा है? व्हाट इज पी? प्राइस जो पे की है. अगर मान लो हम लोग, एक बार सुन लो, अगर मान लो हम लोगों को क्वेश्चन में प्राइस नहीं दे, क्वेश्चन में हम लोगों को प्राइस नहीं दिया, ठीक है, मतलब क्या दिया है? यील्ड दिया. इनकम टैक्स के लिए बहुत इजी है. अगर मान लो क्वेश्चन में
कैपिटल गेन्स का टैक्स हो, कैपिटल गेन्स का टैक्स हो तो कैसे पता करेंगे कि कैपिटल गेन्स है कि नहीं है? कैपिटल गेन्स टैक्स लगाएंगे। टैक्स का फॉर्मूला क्या है? आईपी शुड बी ग्रेटर देन 1 माइनस टी1। व्हाट इज दिस टी1? इनकम टैक्स रेट और कैपिटल गेन्स टैक्स रेट। इनकम टैक्स रेट आईपी शुड बी ग्रेटर देन 1 माइनस टी1 इनटू डी बाय पी। नहीं होता है डी बाय पी, खाली किसमें होगा? रनिंग यूनिट में। अभी जो कर रहा है खाली रनिंग यूनिट डी बाय पी, बाकी किस्म में क्या होगा? आर, डी बाय आर होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? कैपिटल गेन होगा। और अगर ऑपोजिट हो जाए, ऐसे मान लो लेस हो जाए तो क्या होगा? अगर इक्वल होगा तो क्या होगा? नो लॉस नो गेन। एक और जो सब एग्जाम में आता है वो कौन सा आता है? हम लोग क्या सीखते हैं? ऑप्शनल ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स। एक बार बताओ, इंसान को हम फीस कैसे लेते हैं? एडवांस में लेते हैं ना आयर में लेते हैं? तो ये तुम ठीक क्या है? अभी सुनो, अगर हम फीस, इंसान के लिए गेन जितना जल्दी हो उतना बढ़िया ना, लॉस जितना जल्दी हो उतना बढ़िया। गेन जितना जल्दी हो। ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स में क्या था? हम लोगों को एक क्या दे दिया था? बोल दिया था, ऑप्शन दे दिया था कि आप मान लीजिए आप 10 से 15 के बीच में या फिर 15 से 25 के बीच में कभी भी अपना चाहे तो बॉन्ड को रिडीम कर सकते हैं। यही बोला था उसमें। अच्छा, अगर हम लोग कभी भी बॉन्ड को रिडीम कर सकते हैं तो हम लोग कहां पर रिडीम करेंगे? किस पर डिपेंड करेगा? कि मेरे को गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? अच्छा बताओ, अगर गेन हो रहा है तो हम लोग क्या चूज करेंगे? सबसे बेस्ट, बेस्ट क्या है गेन में? सबसे बेस्ट क्या है गेन में? बेस्ट केस सिनेरियो क्या हम बोल रहे हैं? गेन में बेस्ट केस सिनेरियो क्या बताओ जल्दी से जल्दी। अगर मान लेते ये वाला सिनेरियो है, अगर मान लेते ये वाला सिनेरियो है तो जल्दी से जल्दी मतलब कहां पर रिडीम करेंगे? बेस्ट ये है, अगर 16 पे करेंगे तो थोड़ा खराब, 17 पे करेंगे थोड़ा और खराब, 25 पे करेंगे तो वर्स्ट केस सिनेरियो में पहुंचेंगे। मतलब कि गेन के लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? 15। और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? 25। यही है। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोलते हैं पता है? बोलता है मिनिमम रिटर्न कितना परसेंट चाहिए? 7%। तो मिनिमम हम बोलते हैं ना, खराब से खराब 60 तो आ ही जाएगा, तो वो कौन सा है? बेस्ट केस है कि वर्स्ट केस है? वर्स्ट केस। मतलब बोला मिनिमम 7%, मतलब क्या है ये? वर्स्ट केस में कितना चाहिए? 60। तो हम लोग क्या करते हैं? उल्टा लगे करते हैं। गेन में कौन सा ले लेंगे? 25। और ये अगर ऐसे पता है क्यों करते हैं? क्यों गेन में बेस्ट केस 15 है? ये तो ठीक है, गेन जितना जल्दी मिल जाए तो रटने के लिए ठीक है, बट अगर 15 पे रिडीम करोगे ना तो उसका प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा। गेन जो हो रहा है लाइक सेल माइनस परचेज, कैपिटल गेन समझता है? तो स्कूटर बेचा, कैपिटल गेन होगा? स्कूटर इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ज्वेलरी बेचा, इसे सब घर बेचे, इसे सब कैपिटल एसेट ठीक है, लेकिन तुम लोग लगता नहीं है। अभी सुनो, अगर मान लो तुम लोग घर बेचा 4 करोड़ में बेचा, 2 करोड़ में खरीदा, तो जो गेन आ रहा है ना गेन, उसका पीवी सबसे ज्यादा कब आएगा? जितना जल्दी, जितना जल्दी वही बॉन्ड में। सोचो बॉन्ड में जो रिडेम्पशन का जो वैल्यू है 100 रुपया या फिर 115 रुपया जो भी है, गेन अगर हो रहा है, गेन का पीवी को मैक्सिमाइज करने के लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या बनाया? सबसे जल्दी वाला बनाया। लॉस का पीवी को सबसे कम करने के लिए, लॉस के लिए अगर मान लो कैपिटल लॉस हो रहा है तो कैपिटल लॉस के लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या है पहले मुझे बताओ। ये सब छोड़ो, ये तो समझ में आ गया तुम लोगों को। मान लो कैपिटल लॉस हो रहा है तो कैपिटल लॉस के लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? 25 साल। क्यों 25 साल बताए? क्योंकि इस केस में पीवी सबसे कम आएगा, पीवी सबसे कम आएगा, पीवी सबसे ज्यादा कम आएगा, लेकिन उनको लॉस का पीवी है ना, लॉस का पीवी को मिनिमाइज करना है, इसलिए बेस्ट केस ही है। तो अगर कैपिटल लॉस हो रहा है और हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मिनिमम रिटर्न चाहिए 7%, तब क्या करते हैं? कैपिटल लॉस हो रहा है, मिनिमम रिटर्न चाहिए 7%, तब क्या करते हैं? वर्स्ट केस मतलब कितना? 15 साल एक क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है ना? 15 साल लेके हम लोग उसमें क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है? ठीक है, आज के लोग इतने करेंगे। दो 14 कर लेना, 2-3 लोग का नहीं किया हुआ है, 14 और इंटरेस्ट डिमांड पर कर लेना, फिर उसका भी करा देंगे। अब आज पहले इसको घर पे जाके पढ़ लेना सबको।